शिवराज मामा हमें भी एक पक्का मकान दिला दो। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली नन्ही बच्ची ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर की मांग। दतिया जिले के इंद्रगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोह पीटा समाज की 5 वर्षीय नन्ही बच्ची नंदिनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा से मांग करते हुए कहा, मुझे भी एक मकान पक्का दिला दो मामा, बरसात में बिच्छू एवं कीड़े निकलते हैं, डर लगता है। इंद्रगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 शीतलागंज में लोह पीटा समाज के 6 परिवार रहते हैं, जिनके पास ना तो ज़मीन है ना ही पक्का मकान है। नगर परिषद के मतदाता और स्थायी निवासी होने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया है। नगर परिषद कार्यालय में इन लोहा पीटा समाज ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन जमा किए हैं, फिर भी नगर परिषद ने इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया है। पात्रता होने के बाद भी इन लोहा पीटा समाज आवास योजना से अब वंचित हैं और खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। खुले में रहने से आए दिन बरसात में इन्हें नन्हे मुन्ने बच्चे एवं उनके माता पिता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मामा जी मुझे भी पक्का मकान दिला दो, ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। शायद अब प्रशासन इन परिवार की सुध ले। शिवराज मामा हमें घर दिला दो, हमारी झोपड़ियों पर पानी भर जाता है। पक्का मकान हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सालों से, डर लगता है, पानी भरता है। हाँ, पक्के मकान दिला। क्या मांग करना चाहते हैं मामा? शिवराज मामा, हम शिवराज मामा से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी झोपड़ियों में पानी भर जाता है, हमारे मकान नहीं है, बहुत सालों से हमारे यहाँ पानी भरता है, कभी सांप कभी कुछ नहीं करता है।